गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैथ्स के जो आपके डाउट्स हैं उनमें पहला डाउट मैं ले रहा हूँ इन सर्कल से, ठीक है। बाकी जो रेगुलर टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं हम और आपने सक्सेसफुली उसके सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेते हुए हम वीडियोस बनाएंगे जो थोड़ा सा सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं। सेपरेट मीन्स की रेगुलर क्वेश्चंस के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि हम जब सीटेट या यूटेट की तैयारी करते हैं तो क्लास 8 तक का हम सिलेबस लेके चलते हैं, और ये टॉपिक्स जो रहेंगे ये 8 से ऊपर के टॉपिक्स रहेंगे जिनको जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर शायद हो सकता है कि किसी कारण से वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो जनरली ये है कि आपका यूटेट का जो एग्जाम है 30 सितंबर को या फर्दर कोई एग्जाम होता है जहां पर इन सर्कल के क्वेश्चन आते हैं उसे आप कर सकें। एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला है आपका आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस। अब यहाँ पर एस एस हम बार बार बोल रहे हैं तो एस इज सेमी पैरामीटर। क्या है एस? एस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब ये सेमी पैरामीटर क्या होता है तो समझ लेते हैं। सेमी मतलब होता है आधा पैरामीटर का। पैरामीटर क्या होता है तो पैरामीटर किसी भी फिगर का, ठीक है, उसकी सभी साइड्स को जब आप ऐड कर लेते हैं तो पैरामीटर बन जाता है। ट्रायंगल के केस में हम कहेंगे तीन साइड होती है तो ए प्लस बी प्लस सी आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द पैरामीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, जो हम ए प्लस बी प्लस सी को टू से डिवाइड कर देते हैं तो सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, दिस इज सेमी पैरामीटर, राइट। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के इन सर्किल की रेडियस फाइंड करनी हो जहां पर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ये इन सर्किल क्या होता है। तो आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे होंगे, ठीक है, आपके लिए मैं एक फिगर यहाँ बना देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल होता है आप जानते ही हैं, वर्टिस ट्रायंगल अ क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स थ्री वर्टिसेस थ्री एंगल्स, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, हमने सब डिस्कस किया हुआ है। ये ट्रायंगल है लेट्स से ए बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर कोई आप सर्किल बना दीजिए तो दिस इज कॉल्ड इन सर्किल, मतलब अंतः वृत्त। किसी त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। तो भाई अंतःवृत्त तो ऐसा भी बन सकता है, और समझ रहे होंगे आप लोग ना, ठीक है, बट हम इस अंतःवृत्त की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे अंतःवृत्त की बात कर रहे हैं जो बनेगा त्रिभुज के अंदर लेकिन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इससे भी बड़ा त्रिभुज, इससे भी बड़ा वृत्त कैसे बन सकता है, जो हम तीनों भुजाओं को मिलाते हुए एक वृत्त की आकृति बनाते हैं तो ये बन जाएगा आपका इन सर्किल, ठीक है। आई होप कि आप इन सर्किल समझे होंगे। तो क्या होता है इन सर्किल में कि ऐसा सर्किल या ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ बनेगा, इसके केंद्र को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल ऑलवेज, ठीक है। इस सेंटर से अगर हम सर्कमफ्रेंस की जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाते हैं तो बनती है रेडियस, ही आप जानते हैं आपने वृत्त यानी कि सर्किल भी पढ़ा हुआ, तो ये बताने की आवश्यकता भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आर आर एंड आर। आपको दी हुई है साइड्स ए बी सी यानी कि थ्री मान लीजिए, इसको इसको फोर मान लीजिए और इसको आप फाइव मान लीजिए। बेहतर समझने के लिए आप इस फिगर की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए ए बी सी आपका ट्रायंगल बना हुआ है और इसके अंदर हमने एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया है जो कि तीनों को ए और बी और सी को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका केंद्र हो जाएगा ओ यानी कि सेंटर हो जाएगा। यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस को तीनों साइड्स में टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आपकी रेडियस हो जाएंगी और यही रेडियस हमने फाइंड करनी है। रेडियस की जो वैल्यू है थ्रू आउट द सर्किल सेम होती है, ये आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू आपको दी है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आपको निकालना है रेडियस। आई होप कि जो कंसेप्ट होता है छोटा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको बहुत डीप लेके जा रहा हूँ, इतना समय यहाँ पर होता भी नहीं है और ना ही आपने इतना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो हमने लेट किया है थ्री की सी की वैल्यू थ्री, ए की वैल्यू हमने लेट कर ली कितनी फोर, एंड बी की वैल्यू हमने लेट कर ली कितनी फाइव, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आप कहीं भी रख लीजिए, आप फोर यहाँ लिख लीजिए यहाँ लिख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो इन सर्किल क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर बना हुआ सर्किल जो ट्रायंगल की तीनों ही भुजाओं को टच करता हुआ बनाया जाए। रेडियस आप देख रहे हैं, हमको रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो पहले ही आपको बता चुका हूँ। इस फॉर्मूले में एस मीन्स सेमी पैरामीटर होता है, ठीक है, और बाकी ए बी सी हमारी साइड्स होती हैं। आर रेडियस बताइए आपको। एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसी फॉर्मूले से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, तो ये फॉर्मूले की तरफ जाने से पहले
आप लोग ये देखिएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल, क्योंकि इसके लिए आपको ट्रेंगल पढ़ा होना जरूरी है। जिसने त्रिभुज नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको है ट्रेंगल की तब भी आप इसको कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल की का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हम सब जानते हैं। बट जब तीनों साइड दी हो तो हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक, ये हीरोन फॉर्मूला है। जब हमको तीनों साइड्स दी होती हैं तो तीनों साइड्स की हेल्प से हम सेम पेरीमीटर भी फाइंड कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर सकते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं इस एस की तरफ। तो एस की वैल्यू चलो निकालेंगे। ये एस आप देख रहे हैं ना, मैं इस एस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है। आपको इस फॉर्मूले में बाकी तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों दिखाई दे रहे होंगे, बट ये एस नहीं दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस एस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, ये नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने इस एस से मल्टीप्लाई कर लिया, एक एक्स्ट्रा एस हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो आप जानती हैं है ना जनरलाइजेशन रूल से कि हमको अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी नंबर से अगर ऐड करें तो उससे हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये आप लोग को पता है। तो एस से ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि हमको ये बनाना है एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो क्योंकि एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बिकॉज हमारा मोटिव है उसके पीछे, तो हमको एक एस नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे हम करना चाहते हो या ना करना चाहते हो, ये हमारे लिए क्या है, मजबूरी है एक प्रकार से। ठीक, तो अब देखिए आर इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे सेपरेटली पूछ सकता है। आप सबके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, आप लोग वहां पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आउटसाइडर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी डाउट हो आप लोग उसको पूछ लीजिएगा। ओके, इवन दो जो आउटसाइडर्स हैं उनके पास नंबर अगर मेरा नहीं है तो मैं नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, आप पर्सनली कॉल पे भी इसको पूछ सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है सीखने की। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये ट्रेंगल का शेप है। नीचे क्या हुआ आपका, अंडर रूट एस इंटू एस, और आप रूट वैल्यूज के बारे में जानते ही हैं, आपने पढ़ा होता है। तो अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं टू टाइम्स तो बन जाता है आपका स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका एस बचा। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर ट्वाइस हो, मतलब दो बार मल्टीप्लाई की गई हो, तो उसमें से एक को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट हमारा बाहर आया था। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन सिंगल एस, तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो आपका तो कन्फर्म कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। क्वेश्चन हमारे पास है, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती हैं आप जानते हैं, अंतःवृत्त उस त्रिभुज के अंदर एक ऐसी वृत्त की आकृति जो तीनों भुजाओं को टच करती हुई बनाई जाए, अंदर को, बाहर को टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं, किसकी, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4, 5 दी हुई है, कहीं पर भी रख लीजिए आप, 3, 4, 5 मैंने यहां लिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ दैट ट्रेंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये प्रश्न था आपका। फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस। ये जो दो एस लिखे हैं ना, इनको नहीं यूज करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इनका रोल नहीं है, ये तो सिर्फ आपको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने किए थे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया किसमें, बताइए जल्दी बताइएगा किसमें। हाँ, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन एस। कैसे हुआ ये कन्वर्ट, आपको मैं सिखा दिया। आप अगर कोई स्किप करके आगे आया है तो प्लीज पीछे चले जाए दोबारा से और देख ले प्रोसेस पूरा। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके था हमारा, आपको समझ में आ गया। आपको एस निकालते हैं पहले, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड होल अपॉन टू। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होता है, कर लीजिए 3 एंड 4 आपका 7, 7 एंड 5 12, 12 अपॉन 2 दैट इज 6 ओनली। तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, आई होप यहां तक आ गया होगा आपको। एस की वैल्यू आपका 6 आ गई है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पुट करते हैं वैल्यू।
तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या निकलेगा इसका, एस की वैल्यू 6 आ गई है आपके पास, और एस माइनस ए यानी कि 6 माइनस का 3, एस माइनस बी यानी 6 माइनस का 4, एंड एस माइनस सी यानी 6 माइनस का 5। ठीक है, वैल्यूज आपने पुट कर दी है, सॉल्व करते हैं। 6 सिंपल, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा, ठीक है। 6 माइनस 3 आपका 3, क्योंकि मैथ्स करने की बेसिक नीड तो वही है ना, जनरल मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन वो तो आपको आने चाहिए। 6 माइनस 5 1, तो देखो 6 आ गया आपका, 6 में से 3 गया आपका 3, 6 में से 4 गया आपका 2, और यहाँ पर 1। अब ये 6 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, 6 मतलब 3 इंटू 2 है ना, 3 दूनी 6 होता है ना आपका, 3 टू 6, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो देखिए आप 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 का जोड़ा बन गया आपका, यानी कि 6 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अंडर रूट के अंदर आपका बताओ 6 इंटू 6। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि ट्वाइस टाइम हो, तो हम एक को बाहर ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है आपका, 6 सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में सेम पेरीमीटर क्या आया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेंगल भी आ गया, ठीक है, और हमारे पास सेम पेरीमीटर भी आ गया। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिए आप, राइट, थोड़ा स्पेस कम हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज इसको रिवाइज कर, रिपीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप करूंगा उसमें स्पेस बना के रखूंगा पहले से ही। ठीक है, और फिर वैसे भी कुछ नहीं आता तो आप लोगों को मैंने बोला है, आप लोग नंबर ले लीजिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो दो तीन बार आए हों ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, अपॉन सेम पेरीमीटर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, बोलिए एरिया क्या है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 सेंटीमीटर। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका, सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा आपका सिर्फ 6 अपॉन 6 क्या होगा आपका, 1 सेंटीमीटर इज आंसर। ठीक है, तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास, बताइए आंसर क्या आएगा, रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस आपको दिख रही ना, इसका वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि मिक्सअप हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सेपरेटली बढ़िया तरीके से कर लेंगे, फिलहाल इसको आप कॉपी कर लीजिए, और क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया है तो मुझे लगता नहीं है कि ये मैशअप का कोई प्रॉब्लम आपको होगा। ठीक, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो तो फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रेडी रखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को इसकी जरूरत है इस एरिया की, तो इतना एरिया मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूंगा, तो तब तक आप लोग इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूं मैं, कि उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी। सिंपल सी बात है, आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं आपको 6, 5 और 4। अंतःवृत्त क्या होता है मैं बता चुका हूं, ठीक है, जिसने नहीं सुना है वो दोबारा से वीडियो सुन ले पहले पूरा। ये आपका अंतःवृत्त होता है जो तीनों भुजाओं को मिलाते हुए बने। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं बन पा रहा अच्छे से, तो इसलिए ऊपर फिगर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या है जो केंद्र से
ठीक है, बाकी जो सर्कमफ्रेंस उसको मिलाएगी, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास बता रखा है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है, अपॉन ए। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, एस की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों को ऐड करके आप उसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 6 + 4 + 5 / 2, दैट इज 15/2, इट मीन्स 7.5। ठीक है, तो 7.5 आपकी एस की वैल्यू आ जाती है। आप पुट कर लीजिए ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है 6, 4 और 5। तो देखिए मैंने आपको इतना और हेल्प कर दिया है कि एस की वैल्यू भी निकाल के आपके सामने रख दी है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए खुद के लिए है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने मन से ये जो फिगर्स हैं 6, 5, 4 इसको आप चेंज करके मिनिमम 4 क्वेश्चंस बना करके अपने अपने अकॉर्डिंग इनको आप सॉल्व कीजिए, तब जाकर के आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उस बीच कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित हूँ, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के वीडियो को हम इतने करते हैं, और कल की क्लास में या जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, ये भी आपका यूटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 3 circles टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि तीन जो वृत्त हैं यानी कि सर्किल हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो एक वृत्त आपने बनाया, एक और वृत्त बनाया, ये आपको यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है तीसरा जो वृत्त है ना वो यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, ऐसे करके ये बन गया आपका फिगर, क्योंकि यहाँ पर पेन से फिगर इतना सही बन नहीं पाता, तो मैंने ऑलरेडी एक फिगर आप लोगों के लिए यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। अब मानो इसका सेंटर आपका ओ हो गया, इसका ओ डैश और इसका ओ डबल डैश, यहाँ पर इस फिगर में ए बी सी लिया हुआ है, तो इनको मिला लीजिए, डिस्टेंस हो जाती है आपकी ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस हो जाती है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 5 cm, 6 and 7। तो आपको ये डिस्टेंस दी हुई है, मींस आपको वैल्यू दे रखी है, ये 5 यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, सपोज 6 यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, 7 ये हो गया, तो ये वैल्यूज आपको दी हुई है, और आपको फाइंड क्या करना है, त्रिज्या। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आपको इतना पोर्शन इसका, ठीक है, इतना पोर्शन इसका, ऐसे ही सेम पोर्शन इसका, यानी कि तीनों की अलग जो त्रिज्याएं हैं, तीनों की अलग जो रेडियस हैं, उनको आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे रेडिया इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक, तो ये कुछ नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, जिनको आता है जो ट्राई कर सकते हैं वो प्लीज ट्राई करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि पहला मतलब जो भी बताया था आपको इन सर्किल वाला, तो फिलहाल इन सर्किल पर फोकस करिएगा आप। मैंने बोला है इस क्वेश्चन के अलावा जो मैंने दिया है 4 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर 4, 5 and 6 को चेंज कर दीजिए आप, 2, 3, 8 कर लीजिए, है ना, 8, 6, 7 कर लीजिए, आपकी मर्जी जो चेंज करते हो आप उसमें, वो चेंज करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, मिनिमम 4 क्वेश्चंस, ताकि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए। कंसेप्ट आप नहीं भूलेंगे ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला ना भूल जाए इसके लिए आपको 4 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स में आप इसको बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और ईजी है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you all of you. Have a good day.